करते हैं इनके एनिमल्स। मैं तो पूरी फैमिली के साथ आया हूँ। सिंपू, हमारे टाउन में अजब गजब सर्कस आया है। सुना है बड़े अनोखे जानवर हैं उनके पास। ये देखो, ये वही बंदरिया है जो लटरीना कैफ की तरह डांस करती है। और ये शेर, इसका नाम राजा है। हाँ, और इस भालू का नाम गोलू है ना, जो ट्रपीज करता है। चलो सिंपू, मैंने एडवांस में टिकट ले ली थी। हाँ, बहुत मजा आएगा। थैंक यू एवरीबॉडी, ये आप सबका प्यार है जो हमें आपके पास फिर ले आया है। दोस्तों, अजब गजब सर्कस में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ हमारी पहली स्टार परफॉर्मर, चिकनी चमेली और सोना फ्रॉम सोनापुर। हमारा दूसरा स्टार खिलाड़ी गोलू। गोलू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया गोलू। देखो, अब हम पेश करेंगे आज का सबसे खतरनाक एक्ट। कर गया तो कर्तव्य, चुक गया तो हादसा। कर गया तो कर्तव्य, चूक गया तो हादसा। वाह, कितना बढ़िया शो था। हाँ, बड़ा मजा आया। वाह वाह, क्या कमाल के स्टंट्स करता है मेरा राजा। गोलू, कैसा है मेरा बेटा? अरे सोना, क्या डांस करती है, वाह वाह। राजा, गोलू और सोना के खाने पीने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इन्हीं की वजह से हमारा सर्कस चलता है। हैं, यही हैं हमारे स्टार्स। शाबाश शाबाश मेरे बच्चों। चलकर देखता हूँ मेरे गोलू, सोना और बाकी जानवर क्या कर रहे हैं। अरे गोलू, सोना, राजा तीनों अपने पिंजरे में नहीं है। मंगू, शमशेर, अरे जल्दी इधर आओ, जल्दी आओ। देखो तो, क्या हुआ सर? मेरे बच्चे पिंजरे में नहीं है। मेरे गोलू, सोना, राजा गायब हैं। गायब नहीं हुए हैं, ये देखिए ताला खुला हुआ है। हैं?
मतलब किसी ने उनको चुरा लिया है। क्या, किसी ने हमारे बच्चों को चुरा लिया? हे भगवान, ये सब देखने के पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? उन चोरों को मेरी बद्दुआ लगेगी, कीड़े पड़ेंगे उनको। अब कौन देखेगा हमारा सर्कस? हम लुट गए, बर्बाद हो गए। हाँ? अरे, सर्कस के जानवरों की चोरी। सिंपू, हमें पता लगाना होगा। लेट्स गो। और तुम लोगों को पता है कि कल रात वो सर्कस के अनोखे जानवर चोरी हो गए। बड़ी अजीब बात है सर। एक शेर है, एक बंदरिया है और एक भालू भी है। सर्कस का मालिक बहुत परेशान है और वो उन जानवरों को ना जल्दी से जल्दी वापस चाहता है, और नहीं तो उसका सर्कस फ्लॉप हो जाएगा और उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। समझ आ गई ना? सर, आई बेग योर पार्डन, शायद आप भूल रहे हैं कि हम शिकारी नहीं हैं, हम तो थानेदार हैं। हम खतरनाक मुजरिमों की पिटाई तो कर सकते हैं, पर खतरनाक जानवरों की नहीं। साहेब, बचपन में मेरे को एक बार चूहे ने काट लिया था, तब से आई शपथ मैं चिड़ियाघर का भी रास्ता भूल गया हूँ। ओ गधो, और तुम्हें जानवरों को नहीं उन चोरों को पकड़ना है, और जिन्होंने तुम्हारे रिश्तेदार, अब मेरा मतलब सर्कस के जानवरों को चुराया है। अब जाओ और उनको ढूंढो। ओए सर। ओ बेवकूफो, ओ जाओ और टाइम ना वेस्ट करो। ओए सर। हाँ? पता नहीं कहाँ है वो जानवर। हाँ, मेरा बेटा भी बड़ा उदास है। अरे मेरे बच्चे, हाय मेरे बच्चे। कैसे फड़फड़ा रहा था हमारा मालिक। बहुत कमाल के एक्टर हो मंगू। हमने जानवरों को ऐसी जगह छुपाया है कि पुलिस तो क्या, भगवान को भी पता नहीं चलेगा। और फिर कुछ ही दिनों में हमारा अपना सर्कस होगा, जिसके मालिक होंगे हम। फिर ना कोई मुझे जोकर कहेगा और ना कोई मुझ पर हंसेगा। अपनी जान पे खेलकर जानवरों को ट्रेनिंग हम देते हैं, और पैसे कमाता है वो डिसूजा। अब देखते हैं कैसे चलता है उसका सर्कस। सिंपू, ये पांडू प्यारे जानवरों के भेस में, हमें इन पे नजर रखनी होगी। अब बस देखते जाओ इस शेर के भेस में चोरों को कैसे पकड़ते हैं हम। ये पांडू सर, कैसन लगा हमारा आइडिया नंबर 44? अच्छा है ना? हाँ बोलो। आई शपथ, बहुत ही फर्स्ट क्लास आइडिया है, एकदम झक्कास। ये ताली। सर। देखा? ओए मंगू, देखा तूने? अगर इन्हें थोड़ी ट्रेनिंग दे दी तो ये भी हमारे सर्कस के स्टार बन सकते हैं, क्या कहते हो? आदमी मैं अच्छा हूँ, पर काम बुरे करता हूँ। कर गया तो कर्तव्य, चूक गया तो हादसा। तो ये है असली चोर। शेर, भालू, बंदर,
अरे कोई बचाओ, बचाओ, अरे कोई बचाओ, अरे